देखो होली का त्योहार आया, बाबा के हाथ में हाथ मिलाया, परिवार ने भी साथ निभाया। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल, आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। यह रसम भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। गुड इवनिंग बाबा के प्यारे प्यारे फरिश्ता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग्स होली सेलिब्रेशन। आज हम लोगों के बीच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और एक्टिविटीज लेकर हम लोग आए हैं, और तो हम होली के द्वारा एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं, एक नए रिश्ते और संबंध के रूप में पुराने रिश्तों को भूलते हैं, अपने अंदर के दुख और दर्द को मिटाकर फिर से एक हो जाते हैं। इस संगम युग में परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान और गुण के रंग से रंगते हैं। अभी हम लोगों के पास जो पांच रंग हैं, जो पांच रंग लेकर हम लोग बैठे हैं, वो आज हम लोग तो एक दूसरे के चेहरे पे नहीं लगा सकते, पर हम अपने चेहरे पे जरूर लगा सकते हैं। तो टॉपिक के बीच बीच में मैं एक फ्रेज या पोएम बोलूंगी, जिसमें फर्स्ट वर्ड पोएम का पहला वर्ड रंग का नाम रहेगा। तो मैं जैसे बोलती हूँ, एक एग्जाम्पल, लाल रंग लगाओ, लाल रंग लगाओ, बाबा और परिवार के संग होली मनाओ। तो जब भी हम कहेंगे लाल रंग लगाओ, तो हम लोग लाल रंग लेकर अपने चेहरे पे लगाएंगे सब एक साथ मिलके। होली मतलब पवित्रता। होली मैं भगवान की होली। बीती बातें खत्म हुई, पास्ट इज ओवर, होली। होली आई रे, 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 आई रे, खुशियाँ लाई रे, लाई लाई रे, होली आई रे, होली आई रे। परमात्मा के संग से, उनकी शक्तियों के रंग से अपने को रंग ले, बीती बातों को खत्म करें, प्यार खुशी एकता के कभी न मिटने वाले रंग सब पर लगाएं। मीठे और सम्मान भरे बोल की दिल खुश मिठाई सबको खिलाएं। पवित्रता के श्वेत रंग में सारे रंग समाए, जो इसे अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए। बीती बात
ही होली बनाए। हैप्पी होली, होली मुबारक। होली आई रे, खुशियाँ लाई रे, लाई रे, लाई लाई रे। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। दीदी आप बोलो हैप्पी होली। आई रे होली, आई रे, आई रे होली, हैप्पी होली। थैंक यू, बहुत ही बड़ी वीडियो था। और अभी हम लोग के बीच में है सिस्टर नीरा और सिस्टर लीना, जो हम लोग को गेम्स और एक्टिविटीज लेकर आ रहे हैं। और सबके पास आई थिंक कलर्ड पेन, पेपर, दुपट्टा रेडी है, तो हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं। वेलकम नीरा बहन। थैंक यू सनमित्रा बहन। अभी हम एक फन एक्टिविटी करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। नीरा बहन मेरे साथ हैं। थैंक यू नीरा बहन फॉर हेल्पिंग विद दिस। ये गेम है, एक गेम का नाम है फाइव थिंग्स इन 15 seconds, पांच बातें। गेम का नाम है पांच बातें। तो मैं गेम के रूल्स एक बार पढ़ लेती हूँ ताकि सबको पता रहे कि करना क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक फन एक्टिविटी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है, और इसमें आपके नॉलेज या लॉजिक्स को मेजर नहीं किया जाएगा। याद रखिए, ये एक फन एक्टिविटी है, ये क्विज नहीं है, है ना, सबके लिए है। गेम्स के रूल्स हैं, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे ही आप उस शब्द को सुनेंगे आपको उसके अराउंड पांच बातें बतानी है। गेम का क्या नाम है, फाइव थिंग्स, पांच बातें, 15 seconds में एक वर्ड बताएंगे हम, फिर आपको उसके अराउंड पांच बातें बतानी है 15 seconds में। वर्ड को सुनते ही आपको जो थॉट्स आते हैं वो आपको तभी बतानी है, जैसे ही संकल्प आता है वर्ड सुन के वो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप 15 seconds में नहीं बता पाएंगे पांच बातें। जैसे ही जो दिमाग में आता है वो आपको बतानी है। पांच बातें कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप होली के अराउंड ही बताना है, ये याद रखना। आप फिर सोचने मत बैठ जाना कि इसका क्या होली में क्या होगा इसका। होली के अराउंड आपको बातें नहीं बतानी है, जरूरी नहीं है कि आपको होली के अराउंड ही बतानी है। एनी रैंडम फाइव थिंग्स इन 15 seconds, पांच बातें, वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, आपके अनुभव हो सकते हैं, एनीथिंग। याद रखिए, होली फेस्टिवल के अराउंड हम वर्ड्स देंगे, बाकी होली के अराउंड ही आपको वो पांच बातें बतानी है, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर से रिपीट कर रही हूं, सबसे इजी यह रहेगा कि आप जैसे ही उस शब्द को सुनेंगे अपने बारे में आप कुछ अनुभव, अपना कुछ बताएंगे, वो तो याद रहता है ना, जैसे अपना अनुभव या कुछ भी आपके अराउंड। 15 seconds का कोई लोड मत लेना माताएं, फिर से बता रही हूँ, ये क्विज नहीं है और ये नॉलेज आपके टेस्ट नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ फन एक्टिविटी है। नीरा बेन रैंडमली एक नाम पिक करेंगे, जिसका नाम बोला गया है उसी को बोलना है। याद रखना, जिसका नाम नीरा बेन लेंगी उन्हीं को बोलना है। जिनका वीडियो ऑन है, जो हम फिजिकली हम जिनको देख पा रहे हैं, नीरा बेन उन्हीं का नाम लेंगे। याद रखना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इस गेम का पूरा मजा लेना है, आपको इस फन में पार्टिसिपेट करना है, तो अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। नीरा बेन उन्हीं का नाम लेंगी जिनका कैमरा ऑन है। 15 seconds में अगर आप पांच बातें नहीं बता पाए, सपोज दो या तीन या एक ही आप बता पाए, तो उसका कोई लोड नहीं मत लेना। नीरा बेन 15 seconds पूरा होने पर दूसरा नाम लेंगी, दूसरे पार्टिसिपेंट आप में से किसी का नाम लेंगी, और उनको फिर जितने रिमेनिंग है ना बचे हैं, क्योंकि फाइव थिंग्स है ना, याद रखना फाइव थिंग्स, फिर उनको बताना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो अपना अनम्यूट रखिएगा, माइक ऑन ही रखिएगा, क्योंकि नीरा बेन किसी का भी नाम ले सकती हैं, और ध्यान रखिएगा कि कोई बैकग्राउंड नॉइस या कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। और आपका नाम बोला गया तभी बोलना है,
अनम्यूट तो सभी रहेंगे, बस जब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपका नाम आएगा तभी आपको बोलना है। सबको क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? और 15 सेकेंड्स मैं काउंट करूंगी। जिनका नाम नीराबेन लेंगे उन्हीं को पांच बातें बतानी है और मैं वर्ड्स में बोलूंगी। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, तो मैं नीराबेन जिनका नाम लेंगी और फिर मैं वर्ड बोलूंगी। तो 5 things in 15 seconds, गेम का क्या नाम है? 5 things, पांच बातें, कुछ भी। ठीक है, रेडी है सब? थम्स अप देंगे, सब रेडी है? रेडी रेडी, चलो शुरू करते हैं जी। नीराबेन, यू पिक एनी क्वेश्चन, बताइए। आप कोई नाम पिक करो, फिर मैं की वर्ड बोलूंगी जी। अच्छा, ओके। सविता बेन। सविता बेन का वर्ड है कलर्स, रंग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सविता बेन, आप अनम्यूट करो अपने आप को। अच्छा चलो, नेक्स्ट जाते हैं। संध्या बेन। कलर्स, संध्या बेन। पीला रंग सुखा सुखा है, ऑरेंज पवित्रता का है, पर्पल आनंद का है, और रेड शक्ति का, और ग्रीन प्रेम का। बढ़िया, बहुत नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट जाते हैं। वीना बेन। वीना बेन, आपका वर्ड है आग, फायर। आपका समय शुरू होता है अब। होली भी फायर है, जिसमें हम हमारा कीड़ा कचरा विकार उड़ाल के पवित्र बनते हैं। फायर से हम करते हैं ज्वालामुखी यज्ञ, ज्वालामुखी योग, और हमारा कीड़ा कचरा कुछ भी हमारी बीती सो बीती। 16, टाइम अप, आपने दो बातें बोली, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। चलो ज्योत्सना बेन, बाकी की तीन। फायर, आग। ज्योत्सना बेन, आग के बारे में तीन बातें। समय शुरू होता है अब। ज्योत्सना बेन, आग में हम जब योग करते हैं, उसको भी योग अग्नि कहते हैं, तो हम विकारों को भस्म करते हैं, आग में कीड़ा कुचड़ा खत्म होता है, आग से खाना भी बनता है, आग से दूसरों को भी बन से जला सकते हो कटु वचन से। और टाइम अप, 16 seconds, कुछ बाकी रहा आग के अराउंड? नीरा बेन, पांच बातें हो गई ज्योत्सना बेन, नीरा बेन ने बोल। आगे बढ़ते हैं। ज़ूम यूजर कौन है? ज़ूम यूजर, ज़ूम यूजर, अपना माइक अनम्यूट करके बताओ सीजन के बारे में। प्यार का मौसम, फलों का मौसम, खुशियों का मौसम, आनंद का मिलना। 16 seconds, time up. Thank you so much. आपने चार बातें बताई, बहुत सुंदर। Next one, मौसम के बारे में एक बात बची है। नीरा बेन, next name. नीरू बेन, आप बताइए। नीरू, बारिश का मौसम। बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, संगीता बेन। संगीता बेन, आपका शब्द है आत्मा, सोल। आपका समय शुरू होता है अब। ज्ञान, गुण, शक्ति, आनंद, सुख, प्रेम, हो गई ना पांच बातें, हो गई। बढ़िया, बहुत 16 सेकंड्स के अंदर पांच बातें बताई उन्होंने, बहुत सुंदर, थैंक यू, वेरी गुड। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है दक्षा बहन। दक्षा बहन, आपका शब्द है उत्सव, फेस्टिवल। आपका समय शुरू होता है अब। खुशी का उत्सव होता है, होली का उत्सव होता है, शिवरात्रि का उत्सव होता है। जब हमारा मन उत्साह में रहता है तो भी उत्सव होता है। 16 seconds, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताए, थैंक यू सो मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाबा ने कहा है संगम युग का एक एक दिन उत्सव ही होता है, राइट? यस यस, मेरा बहन ने पूरी कर दी पांच बातें, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, चलो अभी नेक्स्ट बारी है अल्पना बहन, उनका अल्पना बहन चालू था, अल्पना बहन की। अल्पना बहन, आपका वर्ड है पिचकारी, आपका समय शुरू होता है अब।
पिचकारी से हम बाबा के साथ खेलेंगे कलरों से, आनंद की पिचकारी, प्रेम की पिचकारी, खुशी की पिचकारी। 16, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया 16 सेकंड्स के अंदर। अब हमारे पास कुछ ही कीवर्ड्स हैं। नीराबेन, नेक्स्ट नेम। नेक्स्ट एक नाम ले लेते हैं हम, चलो अभी लेते हैं सुधा बेन का। सुधा बेन, आपका शब्द है मिठाई, स्वीट्स। प्रभु की स्वीटेस्ट मिठाई तो प्रभु की है, भगवान की स्वीटेस्ट मिठाई है प्रभु मिलन की स्वीटेस्ट मिठाई। एक कोई बात नहीं, नेक्स्ट नाम लेते हैं लता बहन का। थैंक यू लता बहन, आप मिठाई के बारे में बताइए। ऑन म्यूट करो। ओके, मिठाई के बारे में कंप्लीट करो। मिठाई अनेक प्रकार से बन सकती है, उसमें क्या होता है, मिल्क भी होता है, सेफ्रन होता है, इलायची, पिस्ताचियो एंड सुगर। 16, थैंक यू सो मच। यस रबिन, और नाम ले रहे हैं हम हमारे पास दो बार से, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत 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 थैंक यू, सबने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू नीरा बेन, थैंक यू संगीत। तो इस जो बाबा को अच्छा लगता था कोकी, यस आज हमने कोकी बनाई है कोई। ठीक है चलो, अभी हम गेम के इस दौरे में आगे बढ़ते हैं। तो शायद सब लोग ने बहुत बिजी दिन गुजारा होगा, फिर कब से तो भोग बनाने में ये सब लगे होंगे, राइट। तो थोड़ा हम शरीर को हिलाते डुलाते हैं इस त्योहार के मूड में। तो होली का त्योहार है और होली ऑफ कोर्स कलर से ही मनाई जाती है। तो हम लोग एक नया प्रयोग करेंगे आज, कि सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने अपने चेयर से खड़े हो जाओ, बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हिलना डुलना है। ओके, तो कलर्स, कलर का स्पेलिंग है COLOR, राइट। अमेरिका में हम ऐसा स्पेलिंग करते हैं, इंडिया में नहीं। तो हम हमारे हाथों को, शरीर को मूव करके COLOR बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कौन सा वर्ड है, सी। सी को बनाएंगे हम पहले राइट साइड में बनाएंगे, सभी अपने राइट साइड में करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे पहले और राइट साइड में झुकेंगे, राइट हैंड नीचे आएगा, ऊपर वाला ऐसे राउंड बन जाएगा, सी बन गया। फिर वापस सेंटर में आ जाएंगे, दोनों हाथ ऐसे मिलाएंगे, ओ, फिर सी, सी ओ, देन एल बनाएंगे, राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड को ऐसे बाजू पे रखेंगे, तो ये एल हो गया। देन अगेन ओ, दोनों हाथ ऊपर, ब्यूटिफुल। कोई स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे तो बहुत ही यादगार रह जाएगी ये मोमेंट्स। और फिर वापस कौन सा स्पेलिंग आएगा, कौन सा लेटर आता है, आर। तो हम ये जो राइट हैंड है उसको हिप पे रखेंगे, ये पूरा सीधा लाइन है बॉडी का, और जो पैर है उसको ऐसे बाहर निकाल देंगे, राइट लेग। तो ये हो गया हमारा आर, ठीक है। चलो फिर से हम लेफ्ट साइड से करते हैं, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड में झुकेंगे, सी ओ एल ओ आर। एक बार और कर लेते हैं फास्ट फास्ट, ठीक है। चलो दोनों साइड में फास्ट फास्ट कर लेते हैं, सी ओ एल ओ आर, सी ओ एल ओ आर। ब्यूटिफुल, मजा आया सबको, मजा आया, राइट, बढ़िया। चलो
तो थोड़ा हिल डुल दिए तो शरीर को भी कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इस उत्सव के सेलिब्रेशन के लिए। संगमित्रा बहन आगे क्या कर रहे हो? थैंक यू नीरा बहन, हम लोग का बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो गया। तो अभी हम लोग गेम्स हुआ, डांस हुआ, तो अभी थोड़ा बैठ के बाबा से रू रिहान करते हैं। तो हम लोग का क्रिएटिव मेडिटेशन कराने के लिए वैशाली बहन आए हैं, वेलकम बहन। उससे पहले हम एक वीडियो के साथ हाँ सॉरी हम लोग एक वीडियो के साथ डांस देखने वाले हैं एक साथ मिलके। अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी बाल रखी चोरी 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 मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी भोली परी हरी बोली हमारे प्रोग्राम का जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना तो उसका भी जो है वो सेटिंग ऐसे ही होता है कि हमें धीरे 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 वो हमें गुह्यता की ओर आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है ना। पहले आप लोगों ने एक्टिविटी किया तो क्या किया, ब्रेन को एक्टिवेट किया राइट। ब्रेन को एक्टिवेट करने के बाद आपने फिजिकल मूवमेंट किया तो फिर बॉडी को भी एक्टिवेट किया। तो फुल एनर्जी जो है वो माइंड की और बॉडी की जो है अभी एक्टिवेटेड है ना, अभी जागृत है। तो जब बाबा को भी याद करते हैं या मेडिटेशन भी करते हैं तो वो जागृत अवस्था में किया जाता है ना। अभी बहुत अच्छा सा सॉन्ग लगाया होता, होले होले चलता होता तो आप रोज आप सो जाते राइट। अभी मेडिटेशन में सोएंगे नहीं है कि नहीं, है ना। इतना डांस करने के बाद तो मेडिटेशन में नींद आने वाली नहीं है, है ना। तो इसलिए प्रोग्राम में मेडिटेशन जो है वो डांस के बाद रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी जो भी अनुभूति से हम लोग प्रोग्राम भी डिजाइन करते हैं वो आपके टोटल कंप्लीट हेल्थ के लिए होता है। और आज का जो विशेष हमारा ध्यान है वो सतरंग के ऊपर है, जैसे हमने बताया है ना कि आत्मा सतोगुणी है। तो ये मेडिटेशन हमने वैसे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो आज ये योग का प्रयोग है। तो आपको बताया गया है ना, आप लोगों में से कितने हैं जो चुन्नी लेके बैठे, कितने हैं जो फर्मा बरदार है, जो बाबा के घर से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको फॉलो करने वाली आत्माएं हैं। दिखाओ, हाथ ऊपर करो, चुन्नियां लेके बैठे हुए हैं। अरे वाह, देखो बाबा देख के बहुत बहुत खुश है, चुन्नियां लेके बैठे हैं। तो जब हम कलर बोलेंगे तो आपको अपने आप उस चुन्नी को धारण करना है, लेकिन वो चुन्नी ढूंढने के अंदर अपनी योग की स्थिति नहीं बिगाड़ देनी है। हाँ, और जब वो चुन्नी कब पहनते हैं, जब आपको स्वमान दिया जाता है। एग्जाम्पल है कि अभी सपोज आपकी चुन्नी बाहर यहाँ पर है और आपको कहा गया है गोल्ड कलर, तो गोल्ड कलर की चुन्नी है। तो जब आपका स्वमान है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो अपनी ये चुन्नी पहनना और हम आपको पोज देंगे और फिर आपको वो फील करना है कि वो कलर जो है वो रेडिएट हो रहा है और उसकी पूरी पीसफुल एनर्जी जो है वो मुझसे वातावरण में जा रही है। तो रंग को धारण करके उस होली के चुन्नी पहनकर हमें उसका स्वरूप बनना है। तो ऐसे भी तो बाबा की हम सजनियां हैं, तो साजन क्या करता है, चुन्नी पहनाता है ना। हाँ,
सजनी को चुन्नी पहनाता है ना, तो आज बाबा को साजन बना के हम क्या करेंगे, आज बाबा को याद करेंगे साजन बन के, है ना। तो साजन सजाता है, तो आज बाबा हमें कलर कलर से सजाएगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। हम सभी अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें, अपनी नैनों को नम कर दे, एक स्थान पर एकाग्र करें, बहुत अच्छे से बैठ जाएं, अपनी नासिका से डीप ब्रेथ करें, थोड़ा सा म्यूजिक को स्लो करेंगे, थोड़ा सा, जस्ट म्यूजिक इज नाइस बट इफ इट इज लिटिल बिट स्लो दैट्स नाइस। Breathe out from your mouth. Breathe in. नाक से सांस लेंगे, धीरे से मुख से बाहर निकालेंगे, और जैसे ही सांस बाहर गई मैं रिलैक्स हो गई। अब ब्रीथ नॉर्मली और रिलैक्स कीजिए। आंखें खोलिए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने सात रंग का मेघ धनुष है और इस मेघ धनुष के रंग जो है होली के रंग की तरह हवा में उड़ रहे हैं। और इस मेघ धनुष के बिखरते हुए रंगों को, एक एक रंगों को देखें, ये बस मेघ धनुष दिखाई दे रहा है। अब उस बिखरते हुए लाल रंग को देखें, लाल, गहरा लाल रंग। मुझे सब रंगों में से अभी सिर्फ लाल रंग दिखाई। और मेरे आसपास बस लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश। अब गहरी सांस में भी ये लाल रंग जा रहा है। मुझे सर्वत्र लाल लाल प्रकाश नजर आता है। ये मेरे घर का रंग है, शांति धाम का रंग। इस लाल चुनरी को पहन के मैं अपने घर में बहुत सेफ हूं। मैं सुरक्षित आत्मा हूं। लाल प्रकाश के घर में रहने वाली इस घर की सुरक्षितता को मैं महसूस कर रही हूं इस लाल चुनरी के अंदर। ये चुनरी मुझसे सरक कर नीचे जाकर अब मेरा ध्यान नारंगी रंग पर है।
ये नारंगी रंग। सूक्ष्म रस्सियों की तरह मुझे स्पष्ट नजर आती है। सर्व विकारों की रस्सियों को जैसे गुलाब को हम बाग से तोड़ते हैं, वैसे मैं तोड़ रही हूं। धीरे धीरे हर रस्सी को तोड़ते हर विकारों के बंधन की रस्सी से मैं मुक्त नारंगी रंग की झड़ी पहन मेरा स्वमान लेती हूं। मैं कॉन्फिडेंट आत्मा हूं। मेरा आत्मविश्वास मुझे बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करा रहा है। अब मेरा ध्यान हरे रंग की ओर है। जैसे ही मैं हरे रंग को देखती हूँ, मेरी चारों ओर मुझे हरियाली, वो मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध, वो ताजगी महसूस होती है। अपनी सांसों को भर ले इस ताजगी से। और अनुभव करें मेरे मित्र, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। आई एम लव्ड बाय एवरीवन। और मैं भी विश्व की सर्व आत्माओं को प्यार देती हूं। अब इस हरे रंग की चुन्नी में समेट कर मैं बहुत गहरे प्यार की अनुभूति कर रही हूं। आई एम लव्ड, आई एम लव, आई लव। अब मेरा ध्यान नीले रंग के ऊपर जाता है। मेरे दोनों हाथ आसमान को छूते हुए नीले गगन के
असीमित। जीवन की तक को महसूस कराता है। महसूस करे वो बादलों के साथ मुक्त मैं आत्मा नीले गगन में अपने दिल की आवाज को सुनो। और ये स्वमान लेती हूं मैं ये नीले रंग की चुन्नी पहन कि मैं सबको स्वमान से सुनती हूं और मुझे भी सभी प्यार से सुन रहे हैं। अपने आप से कहें कि मैं श्रेष्ठ स्वमान में रहने वाली इस नीले रंग की चुन्नी पंख की समान लेकर उड़ने वाली बेहद की पंछी हूं। अब मैं गोल्डन कलर की चुन्नी को धारण करती हूँ। पीले सुनहरा रंग जो मुझे बाबा की शक्ति का अनुभव करा रहा है। परमात्म शक्ति की ये चुनरी पहन मुझ आत्मा की दिव्यता का प्रकाश विश्व में सूर्य के प्रकाश की तरफ फैल रहा हूं। मैं दिव्य प्रकाश फैलाने वाली दिव्य आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए रुक कर गहरी सांस लेकर अन्य रंगों को भी अपने से सिंजो कर मैं बाबा की सजनी बाबा के प्रेम रत्नों से सज्जित बाबा ने मुझे रंग लिया है। Thank you.
शांति। बाबा ने रंग दिया। ओम शांति। क्या आप सब बाबा के अभी मस्त मगन में झूम रहे हो? तो अभी हम लोग के बीच में उपस्थित है प्रेमलता दीदी। प्रेमलता दीदी, आपने 48 वर्षों के आध्यात्मिक समर्पित जीवन में हजारों लोगों के बेहतर जीवन जीने की कला, जीवन जीने की सद्गुण आत्मा साथ करने के लिए प्रेरित किया है। आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में कई राज्यों केंद्र स्थापित करने के निमित्त रहे हैं। मोहाली, रूपार, पंजाब में ब्रह्म कुमारी केंद्र की आप निर्देशक हैं। संगीत में आपकी विशेष रुचि है और आपने कई आध्यात्मिक गीत गाए हैं। तो आज की इस सुंदर शाम पर स्वागत करते हैं प्रेमलता दीदी को। वेलकम दीदी। दीदी, हमारे अनुभूति परिवार की ओर से हमारे सीनियर दीदी जो हैं, हेमा दीदी, आपका बहुत प्यार से स्वागत करते हैं इस Zoom परिवार में। आपका स्वागत है। ओके। ओम शांति दीदी, बड़े दिल से हम आपको स्वागत करते हैं। आपका सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी आपने अपना कीमती टाइम हम सभी को दिया। अनुभूति सैन फ्रांसिस्को जूम पर यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम बड़े खुश हैं कि आपने अपना समय दिया, क्योंकि हम समझते हैं कि सुबह का टाइम आपके पास अनेक सेवाएं होगी। फिर भी हम अपने को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे महान आत्माएं जो यज्ञ में बाबा ने पाला है, बहुत कुछ सिखाया है, तो आप हमारे सामने मौजूद हो, तो हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी सैन फ्रांसिस्को परिवार को, समर्पित बहनों को, भाइयों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूं, और आप सब के लिए ये रंग लाई हूँ, रंग बिरंगे तिलक देने के लिए अपने मस्तक पर। तिलक को स्वीकार करेंगे सभी, ठीक है? भिन्न भिन्न रंग हैं ये, बहुत सुंदर रंग हैं ये। ये आत्म स्मृति का प्रतीक बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर रहस्य इसका बताया है। और खुशबूदार गुलाब के फूलों से आप सबके ऊपर मैं गुलाब के फूलों की बारिश कर रही हूँ। गुलाब की तरह से महको, गुलाब की तरह से सबके मन को, तन को निरोगी बनाओ, और गुणों की खुशबू जीवन में धारण करके फ्रेग्रेंस बन के सारे जहान में फैलाओ। और भारत में, इंडिया में होली पर खास ये गुजिया की टोली बनाते हैं, गुजिया। आप सब के लिए, मुंह खोलो सभी, गुजिया की टोली सब के लिए है बाबा की तरफ से। इसलिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं आज के इस होली पर्व की। तो सारा मोहाली परिवार, आप सब सैन फ्रांसिस्को परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा ही बाबा के रंग में रंगे रहो। मैं कहना चाहूंगी कि प्यार के रंग से भर दो पिचकारी, स्नेह के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जाति कोई बोली, नो लैंग्वेज नो कास्ट। आप सबको मुबारक हो। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हम सब जानते हैं कि बाबा ने हम बच्चों का जीवन
बहुत उमंग और खुशियों से भरा है। ये त्योहार सब तरफ, कोई बीके हो नॉन बीके हो, सबके जीवन में आज के दिन उमंग, खुशियां और आनंद होता है। ये त्योहार अन्य त्योहारों से डिफर करता है। दूसरे जितने भी सेलिब्रेशंस हम करते हैं, खासकर इंडिया में, तो उसमें लोग बहुत कुछ खरीदते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ज्वेलरी वगैरह है, नए वस्त्र हैं, सजेंगे, त्योहार का रूप तभी लगता है। त्योहार के दिन सिंप्लिसिटी पसंद नहीं होती है लोगों को, जैसे हम थे उससे और सुंदर दिखना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि होली का त्योहार कैसा होता है। होली के त्योहार में जैसे हम पहले नॉर्मल वस्त्रों में होते हैं, हमारा फेस वगैरह नॉर्मल जो भी नेचुरल है होता है, उसको हम अननेचुरल बना लेते हैं रंगों से रंग के, ताकि जो हम नजर आ रहे हैं वो हम वो वाले दिखाई ना दें किसी को। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस में जाएं, तो बाबा ने हमें क्या कहा है, तुम बाबा के ज्ञान के रंगों में ऐसे रंग जाओ कि तुम वो ना रहो जो तुम थे, तुम वो बनकर के निखरो, वो बनकर के दर्शन दो दुनिया को जो तुम्हें बाबा रंगों से रंग रहा है। अपने फिजिकल फॉर्म को हम बंद करके हमारा आत्मिक स्वरूप दुनिया को नजर आए, जिसको बाबा कहते हैं कि आपके चेहरे में सबको बाबा का चेहरा नजर आए। तो ये डिफरेंस हम इस त्योहार में खास देखते हैं। और एक दूसरे को हम ऐसा रंगना चाहते हैं आज के दिन कि कोई रह ना जाए, खास घरों से, घरों में जा करके भी लोगों को रंगेंगे और उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता है, कोई ना रह जाए जो रंग में ना रंगे। ये भी अगर हम देखें तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, बच्चे कोई भी ना रह जाए जिस पर आप ज्ञान का रंग ना लगाओ, सब आत्माओं को ज्ञान के रंग से रंगो। इसमें सेवा का सब्जेक्ट है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जो होली का त्योहार है, ये ब्राह्मण जीवन का लाइफस्टाइल और ईश्वरीय सेवा इसमें समाई हुई है, जिसमें मुख्य तीन प्रकार से, चार प्रकार से होली को दुनिया मनाती है। एक है पहले होली से पहले दिन होली को जलाना, होली दहन, वो शाम के टाइम जलाते हैं। उसमें क्या जलाते हैं, अपना पुराना कीचड़ा, जो कुछ पुराना वगैरह पड़ा होता है उसको जलाते हैं। और इस जलाने के ही ऊपर एक कहानी है भारत में कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसका बेटा था प्रहलाद, तो वो बहुत ईगोइस्टिक था राजा, परंतु उसका बेटा प्रभु भक्त था, बहुत आस्था थी प्रभु में, तो वो भगवान को ही सब कुछ मानता था। लेकिन उसके पिता को पसंद नहीं था, वो कहता था तुम मुझे ही सब कुछ मानो, मुझे ही सब कुछ मानो, मैं ही सब कुछ हूं। तो उसको अपने बेटे पर बहुत क्रोध आता था, उसने अपनी बहन को तैयार किया, होली का नाम से उसकी बहन थी, तो तुम ऐसा करो इसको अपनी गोद में बिठाओ और ये जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरा ही अस्तित्व होगा, नहीं तो ये भगवान के पीछे लगा हुआ है। तो कहते हैं कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका हो सके चाहे सब जग बैरी होए। तो जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, बाबा की छत्र छाया है, उन बच्चों का तो कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि होली का जल गई क्योंकि उसको फिजिकल फॉर्म में दिखाया है, उसकी बुआ लगती थी वो, और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात सिद्ध करती है कि हम दैहिक रूप में बाहर से नजर आ रहे हैं,
लेकिन अंदर में आत्मा एटर्नल है, अविनाशी है, इमोर्टल है। आत्मा को तो कुछ नहीं हो सकता, भले बाहरी आपदाएं कितना भी प्रहार करें, दुनिया दुश्मन बन जाए, विघ्न डाले, लेकिन मुझ आत्मा को अगर प्रभु की लग्न है, उसकी लग्न की अग्नि मेरे अंदर जली हुई है, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रहलाद बच गए और होलिका दहन हो गई। इसी की यादगार में लोग होली मनाने से एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं और नेक्स्ट डे रंग लगाने की होली, तो वो तो हम देखते ही हैं। इसमें इस त्योहार में सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन का रूप है वो है एक दूसरे को रंग लगाना। रंग भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, 7 रंग हैं, वो तो हमें बाबा ने बताया ही है कि कैसे आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप ये रंग भिन्न भिन्न दिखाए हैं। इन रंगों का भी तन पे मन पे इफेक्ट होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, प्रेम और आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है। इसको अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो एक बार सतीश भाई ने कहा था, डॉक्टर सतीश गुप्ता ने मधुबन में, इसको इस तरीके से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं कि K P square लो हाई ब्लड प्रेशर, K P square, K फॉर नॉलेज, P for power, P for purity, P for peace एंड लो हाई ब्लड प्रेशर, लो फॉर लव, हाई फॉर हैप्पीनेस, ब्लड फॉर ब्लिस एंड प्रेशर मीन्स P for power, शक्ति स्वरूप है आत्मा। तो सीक्वेंस में इन नंबर इन गुणों को हम इस तरीके से, जो आत्मा के अनादि रूप हैं, ये भिन्न भिन्न रंगों को डिपिक्ट करते हैं, उस तरीके से याद करके हम वही जो 7 रंगों की चुनरी आत्मा पहनती है, 7 रंगों का रेनबो आत्मा पर बनता है, 7 रंगों की किरणें रेडिएट होती हैं बाबा से हम बच्चों की तरफ। ये भी एक बाबा की याद का एक सुंदर एंटरटेनमेंट का रूप हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अभी पीछे भी था कि अगर आप योग में या ज्ञान में अपने तरीके से वही आत्मा परमात्मा परमधाम इसमें अगर बोर हो जाओ तो योग को एंटरटेनमेंट के रूप में लो, भिन्न भिन्न तरीके से लो, तो एक ये भी रूप हम ले सकते हैं। दूसरा, रंग लगाते हुए हम एक दूसरे को ऐसा कर दें कि वो लोग भी हमारे समान बन जाएं, जैसे हम बाबा के रंग में रंगे हैं, ऐसे अन्य आत्माओं को भी वो प्रभु प्रसाद ज्ञान योग गुणों का शक्तियों का ऐसा दें कि उनका जीवन मधुर बन जाए। इसलिए प्रभु प्रसाद के रूप में लोग मुंह मीठा कराते हैं, तो टोली के रूप में जैसे खास गुजिया का महत्व है, तो वो टोली, वो प्रभु प्रसाद जिसे जीवन मीठा बन जाए, जीवन में से कड़वापन समाप्त हो जाए, वो प्रभु प्रसाद सबको खिलाएं हम। फिर हम आत्मिक प्रभु प्रसाद भी कब खिला सकेंगे, जब हम आत्मिक स्वरूप में सभी को देखेंगे, ये सब आत्माएं मेरे बाबा के बच्चे हैं, हम सब एक घर के वासी हैं, एक घर से आए हैं, बाबा आया है धरा पर, तो हम सबका लक्ष्य एक ही है, बाप समान बनकर के उड़ के वतन में वापिस चले जाना। तो वो भेदभाव जब समाप्त हो जाता है, मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष, कोई वैर विरोध, कोई नफरत, कोई लेग पुलिंग, किसी को रिजेक्ट करना, किसी को आगे बढ़ा दो, किसी की बात करके उसको बदनाम कर दो, ये छोटी छोटी बातें बड़े विकारों के कारण से जो अंदर में रह जाती हैं, इन सबको समाप्त हम करें और फिर सबको गले मिले, गले मिले। गले मिलना मतलब आत्मा आत्मा के इतना नजदीक आ जाए कि बस सब एक समान नजर आए, किसी में कुछ भी वैर भाव द्वेष कुछ ना रहे, तो ये है गले मिलना। फिर उससे मधुर जीवन बना रहता है।
और फिर हम उन गुण शक्तियों को स्वरूप में ला करके एक दिव्यता को हम अपने अंदर निखारते हैं। दिव्यता निखर के बाहर आती है, वो दैवी गुण, वो दिव्यता जिसके कारण से हम देवत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए लोग शाम के समय स्नान पानी करने के बाद लोग स्वांग रचते हैं, स्वांग अर्थात दैवी स्वरूप। उनको देवता का रूप तो वो समझना नहीं आता है, वो स्वांग बनाते हैं, सजते हैं। तो इस प्रकार से इसको होली को हम भारत में जो रिवाज के रूप में है ऐसा मनाते हैं, जलाते भी हैं, होली जलाते हैं, रंग लगाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं और स्वांग रचाते हैं। इसलिए जो सबसे अट्रैक्टिव इसमें लगता है होली के त्योहार में, रंगों से सभी को रंगना। जब रंगों से रंग जाते हैं, सब रंग आ जाते हैं अंदर में, तो आत्मा के अंदर एकता की भावना पैदा हो जाती है, वो अखंडता पैदा हो जाती है, अनेकता में एकता पैदा हो जाती है। अब आप इतनी दूर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, इस समय कितना अपनापन, और वैसे भी अगर विजुलाइज करें कभी एकांत शांत में बैठ करके, जैसे बाबा कहते हैं विश्व भर की आत्माओं को वाइब्रेशन दो, वो हम सबको अपने लगते हैं, सब अपने हैं। भले आप बाहर बैठे हैं, विदेश में हैं, लेकिन लगता है अपना दैवी परिवार। कितना अंदर से प्यार आत्मा को उमड़ता है सबके प्रति, और फिजिकली तो कोई किसी को जानता नहीं है, तो वो एकता अखंडता। इससे क्या होगा, जब अखंडता आ गई जीवन में तो एकाग्र मन हो जाता है। एकाग्रता यानी सब कुछ एक में है, हम सब एक से हैं, हम सब एक राह के राही हैं और एक घर के वासी हैं, एक हमारी मंजिल है, एक हमारा ठिकाना है। तो वैरायटी संसार है ये, इस वैरायटी, इसके वैरायटी रूप को देखते हुए भी हम हमारा मन विचलित नहीं होता है। तो ये जो स्थूल रंग है, दुनिया रंगती है, कल भी देखा हमने बाहर में कहीं जाना हुआ था तो कितना बुरी तरह से कैसे रंगों में एकदम रंगे हुए थे, उनको उसी में खुशी थी। पहले रंग लेते हैं, फिर धुलाई करते हैं, फिर अपने ओरिजिनल उसी डेली रूटीन के वस्त्रों में आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो रंग है, बाबा ने जिस रंग में हमें रंगा है, ये रंग कभी भी उतरने वाला नहीं है, ना ही कभी उतरे। ऐसी दृढ़ता से हम इस रंग में रंगें और अन्य आत्माओं को भी इस रंग में रंगें कि वो बाबा के इतना समीप रहें, इतना क्लोज रहें, बाबा के नैनों में समाए रहें कि कभी भी ये रंग उतरने ना पाए। तो रंग जो लगाते हैं लोग आजकल, तो बहुत काले रंग के कपड़े पहनने का ज्यादा ही रिवाज हो गया है, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, अच्छे अधेड़ उम्र के भाई बहने समाज में जो रहते हैं वो वाइट ड्रेस खास पहनते थे, होली के दिन वाइट ड्रेस, उस पे रंग लगे। हम जानते हैं कि वाइट ड्रेस पर रंग उभरते हैं, काले काले रंग पे रंग उभरता नहीं है कभी भी। तो मैं ऐसा समझती हूँ ये भी हमारे संगम युग के ही लाइफ स्टाइल का यादगार है। जब तक हम पवित्रता को जीवन में नहीं अपनाएंगे, पवित्रता नहीं धारण करेंगे, शांति से नहीं रहेंगे, सादगी से नहीं रहेंगे, तो बाबा के जो अनादि स्वरूप के गुण आत्मा को बताए हुए हैं हम बच्चों को, ये इनका स्वरूप हम नहीं बन सकते। आत्मा बाबा के बताए हुए ज्ञान योग के रंगों में रंगना उसको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि उसका मन भटकेगा, सादगी नहीं है, प्योरिटी नहीं है। दो दिन पहले भी बाबा ने कहा ये ज्ञान किन बच्चों को धारण होता है, जिनकी बुद्धि पवित्र है, पवित्र बुद्धि बच्चों को ये ज्ञान की धारणा बहुत सहज और अच्छे से होती है। तो व्हाइट ड्रेस में होली खेलना बहुत शुभ माना जाता है,
यूं तो व्हाइट कपड़े को बचाते फिरते हैं, कोई दाग ना लग जाए, इसलिए कलरफुल कपड़े ही लोग ज्यादातर पहनते हैं परिवारों में। तो उसके जो मनुष्य आत्मा के जो गुण हैं हमारे जीवन में उतर आए, रंग उसी चीज का प्रतीक है। ईश्वरीय ज्ञान, बाबा का ज्ञान हमें क्या कहता है? हम पहला लेसन क्या है हमारा, जो आज दिन तक पूरा पढ़ा नहीं जा रहा है, कौन सा है? हम आत्मा हैं, हम देह नहीं है, ये भी क्यों सोचूं, हम आत्मा हैं। एक बार जगदीश भाई साहब ने, जो अपने चीफ स्पोक्समैन थे, उन्होंने क्लास कराई थी मधुबन में, तो कहा बहने कमेंट्री कराती हैं तो क्या बोलती हैं नयो नयो को, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो उन्होंने, क्योंकि वो ऊंची स्टेज जैसी जिसकी होगी वही वैसा बताएगा, वो कहते जब हम हैं ही आत्मा तो फिर ये मैं शरीर नहीं हूं, इट मीन्स हम शरीर समझ रहे हैं अपने आप को, मैं हूं ही आत्मा, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही आत्मा ना। देह का फिर बीच में रेफरेंस देने की भी क्या जरूरत है, शब्द वो बोलेंगे तो देह की तरफ ध्यान जाएगा। तो बाबा ने हमको ये देही का पाठ पक्का कराया है, और बाबा के जो गुण हैं वो सागर है, अनेक गुणों का, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, इत्यादि अनेक गुण हैं बाबा के। तो उन गुणों का रूप मैं आत्मा बन जाऊं इन बिहेवियर लेवल, मेरी दृष्टि में ज्ञान, ज्ञानयुक्त नजरिया हो, मेरी दृष्टि में प्योरिटी हो, वचन में प्योरिटी हो, कर्म में प्योरिटी हो, मेरा मिलना जुलना उठना बैठना प्योर स्थान पर हो, मेरा संग प्योर हो, मेरी लाइकिंग प्योर महसूस कराए सभी को, और शांत, जब शांति इन सभी चीजों में शांति मेरे अंदर आ जाएगी, मेरे बोल में, कर्म में, व्यवहार में, नजरों में, मैं सुनूं भी तो शांति पैदा करने वाली बातें सुनूं, मेरे कर्म भी ऐसे हों, व्यवहार ऐसा हो, अनेकों में शांति पैदा कर दे, कुल मिलाकर के मेरा ऑरा ऐसा बन जाए कि मैं जहां भी जाऊं, जहां रहूं, वहां शांति का वातावरण फैल जाए। तो मतलब ये है कि बाबा के जो गुण हैं वो मेरे जीवन का स्वरूप बन जाए, तो मैं कह सकती हूं कि मैं प्रभु के रंग में रंग गई हूँ, बाबा के रंग में मैं आत्मा रंग गई हूँ। तो ऐसे रंगों में रंग करके जो बाहरी स्वरूप है, अनेक प्रकार के प्रलोभन, छोटी बड़ी बातें, इन सब से आत्मा, इसी को जलाना कहते हैं, वो नजर आने लगती है कि हाँ अभी ये भी कुछ है मेरे अंदर, ये भी कुछ है, छोटी छोटी बातें हैं बहुत, जिसको महीन धागे बाबा बोलते हैं, उनको हम जलाएं। किसमें जलाएं? दृढ़ता की तीली लगा दें। योग की अग्नि ठीक है, पर योग भी कई बार हल्का हो जाता है, साधारण ले लेते हैं। योग को ज्वाला कहा गया है, योग को शास्त्रों में अग्नि कहा गया है, गीता में खास इसका वर्णन है, योग अग्नि, अग्नि जो शब्द है वो भस्म करने का प्रतीक है। तो हम कहेंगे कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ज्ञान को समझते हुए जितना ज्ञान रिफाइन हमारी बुद्धि में होता है, उतना योग तेज, योग की लौ तेज ज्वाला के रूप में होती है। ये सब चीजें छोटी बड़ी भस्म कर दें हम, तो आत्मा का रूप निखरेगा। परंतु ये जो रंग है बाबा का, दुनिया रंग बिरंगे परिधान पहनती है, लोगों की दृष्टि कुदृष्टि हो सकती है, लेकिन बाबा जो रंग लगाते हैं ये हमारी बुराइयों को नष्ट करता है, और हम अच्छा बन करके प्रभु प्रसाद औरों को अनुभव के आधार से बांटते हैं। और एक चीज दुनिया वाले और करते हैं, जैसे एक कल एक बहन ने कहीं जाना था, उसने ड्राइवर को, अपने घर से ड्राइवर को बुलाया, तो कहते हैं मैं होली खेल रहा हूं, क्योंकि उसने भांग पी थी। कहा मैं आज नहीं आ सकता हूं, मैंने पी रखी है। क्या पी रखा है? भांग पी रखी है। आपने चलना हो तो कल चलना, भले मैं सुबह 4 बजे भी आके खड़ा हो जाऊंगा बाबा के घर के सामने, पर मैंने आज भांग पी रखी है। तो लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया हुआ है
क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है। नशा तो चढ़ाएं, ये होली के समय ही नशा पीना, भांग पीना, एक शिवरात्रि के दिन दूध में पानी में भांग घोट के पीते हैं लोग क्योंकि होली बाद में आई है, शिवरात्रि पहले आती है, होके गई है अभी। तो शिव बाबा का अवतरण माना शिवरात्रि, बाबा ने आकर के जो रंगों की होली हम बच्चों पर डाली, रंग डाले, उससे आत्मा को जितनी जितनी निखरती गई एकदम नशा चढ़ गया, नारायणी नशा चढ़ गया। इस नशे में कोई नुकसान नहीं है, दूसरे नशों में तो सब नुकसान ही नुकसान है, लेकिन दुनिया इन चीजों को देह अभिमान के कारण पहचान नहीं पा रही है। बाबा ने हम बच्चों को स्वमान का नशा चढ़ाया, इतने स्वमान दिए हैं, इतने स्वमान दिए हैं, रोज का एक स्वमान हम इम्प्लीमेंट करें लाइफ में तो बस कितनी जल्दी हमारी स्थिति संपूर्ण हो सकती है। तो ऐसा ये सब खूबसूरती मनाना ये टेम्परेरी लगता है दुनिया के लिए, तो जब ऐसी समानता और सम्मान की भावना हमारे भावनाओं में सबके प्रति आ जाती है तो क्या होगा, ऐसे लगता है जैसे हम सब मिलके जी रहे हैं। इस समाज में से यही दूरियां हमने खत्म करनी है, पहले तो अपने घरों में ही खत्म करें, रिश्तों के कारण से थोड़ा सा भाव दूसरा बदल जाता है, लेकिन नहीं, सबको सम्मान दे के चलें, संस्कार मिलन करें। सब नाचते हैं गाते हैं इस दिन होली के त्योहार, उसमें स्पेशल श्री कृष्ण जी का रूप खास सामने लाते हैं अपने, तो क्योंकि समान और संपूर्ण बनना है बाप समान, तो श्री कृष्ण जैसा महान ऊंचा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण वो नटखट रूप, वो एक्टिवनेस, वो सब अंदर की मैच्योरिटी होते हुए फिर भी हम एक्टिव रहें, फिर भी हमारा बाल रूप समाप्त ना हो, हम अपने आप को ज्यादा ही बड़ा सा ना समझ बैठें, तो ये सब चीजें हमें दिखाती हैं। रास मिलन करें, संस्कार की रास करें, तो ओरिजिनल हमें क्या ये त्योहार दिखाता है कि हम अपने दैवी गुणों को जो ओरिजिनल हैं और अनादि गुण जो आत्मा के गुण हैं उनको अपने जीवन में धारण करके चलते चलें और जीवन में बांटते चलें। एक सिंधियों में रिवाज है, वो लोग कोकी बनाते हैं, मीठी रोटी कोकी, उसमें बीच में धागा डाल के उसको बेल के वो धागा बीच में होता है तो फिर उसको जलाते हैं, और कहने में सुनने में आता है, किया तो नहीं है मैंने कभी ऐसा, सुनने में आता है कि बाहर की वो जो मीठी रोटी है कोकी वो जल जाती है और अंदर का धागा सेफ रहता है। तो ये भी प्रतीक है, एक सिंबॉलिक है किस चीज का, कि शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, आत्मा बैठी है। इस शरीर को तो इफेक्ट हो सकता है बाहर में, इसको जलाएंगे भी शरीर छोड़ देगी आत्मा, तो ये मॉर्टल है बॉडी, मॉर्टल क्वाइल आत्मा ने पहनी हुई है, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इमॉर्टल हूँ, मुझे कोई जला नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी आत्मीयता को जलने ना दूं बिल्कुल भी। बात अब हमने ये देखनी है, आत्मीयता ना जले अंदर से, क्योंकि आज मनुष्यों की आत्मा की आत्मीयता खत्म हो चुकी है, उसी को दोबारा रूहानी रंग में रंगना इसका प्रतीक, इसका एक सिंबॉलिक ये होली का त्योहार है। बाकी बाबा ने तो होली का अर्थ हमको बताया ही है, जो होली सो होली, ये बहुत बड़ा सुंदर पॉइंट है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। भले बाबा का ज्ञान हमको मिलता है रोज मिलता है, लेकिन फिर भी अवस्था नंबर वार है, फिर भी राजधानी नंबर वार स्थापन हो रही है, उसमें अगर हम इसको इस पॉइंट को ले लेते हैं तो पुरुषार्थ बहुत आगे जा सकता है, नहीं तो हमारा समय संगम युग का जो कीमती समय है वो बर्बाद होता रहता है बहुत सी बातों में, कैसे इमीडिएट फुल स्टॉप लगाना, पर उसके लिए थोड़ा दृढ़ता की शक्ति चाहिए, बहुत सुलझा हुआ मन चाहिए उसके लिए, बहुत सुंदर विचार मनन चिंतन का जो पुट हम अंदर में देते हैं अपने आप को वो चाहिए। फिर होली मना होली बीत गई सो बीत गई, और मैं बाबा की होली, बस।
जब बीती बातों को बीच में लाऊंगी ही नहीं तो मैं हूं ही बाबा की, बनी थी बाबा की, लेकिन कहां दूरियां आ जाती हैं जब हम और बीती हुई बातों को बीच में लेके बैठ जाते हैं। तो मैं हूं ही बाबा की, मैं बाबा की होली, होली माना होली, बस बन गई मैं बाबा की बिल्कुल। उसके बाद जो आत्मा का निखार है वो चमकेगा, प्योरिटी का, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्योर है तो मेरा प्योरिटी का स्वरूप चमकेगा और मैं अनेक बाबा के रंगों में, पक्के रंगों में रंग जाऊंगी, जिसको कहते हैं बाप समान स्थिति। तो इसलिए ऐसी होली हम रोज मनाते हैं, रोज मनाएं और सब के अंदर खुशियां लाएं, उन रंगों से सबको रंगें। इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब सैन फ्रांसिस्को परिवार को, भारत की तरफ से, मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से और अपनी तरफ से खास पुनः बहुत बहुत मुबारक, बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। बाकी बहुत धन्यवाद आपका कि हम साइंस के साधनों के माध्यम से ही आपस में मिल पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे जब कभी मधुबन में आप सब आए तो पंजाब की तरफ भी जरूर विजिट करें। पंजाब के नजदीक में हिमाचल है, बहुत देखने जैसा, बहुत सुंदर प्रकृति का नजारा होता है वहां पर, और नजदीक चंडीगढ़ बिल्कुल नजदीक, बहुत सुंदर शहर है, और उसके नजदीक ही मोहाली है, ये भी सुंदर शहर है अपने आप में। तो यहाँ अवश्य आप आए, आप सबको मैं दिल से निमंत्रण दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे तो बहुत बहुत थैंक्स पुनः आपका मिला, बाय। थैंक यू आपको, थैंक यू सो मच प्रेमलता दीदी आपकी अनुभव शेयर करने के लिए और होली का महत्व समझाने के लिए। अभी हम प्रोग्राम के एंड में पहुंच गए हैं और अभी हम लोग हमारी प्यारी हेमा दीदी हम फरिश्ते के साथ वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। आराम से बैठिएगा, हम समझते हैं आपके सामने जैसे यहाँ भोग है, आप अवश्य अपना भोग लेके बैठे होंगे, सामने भोग होगा एक सेकंड में। हम अंदर चले जाए। और अंदर से जो सामने भोग रखा है उस पे दृष्टि डाले, जो हमने आज बड़े प्यार से बनाया है वैसे भी आज बाबा ने भोग का, शुद्ध भोजन का वाणी में महत्व बताया। पिलाने वाला बाबा है, किसी को भोजन खिलाते हैं एक प्यार का प्रतीक होता है। वो एक सेकंड में अब हम वतन में चले जाए, अपने मीठे बाप दादा के सामने सामने बाप दादा है और यहां का नजारा कुछ अलग सा है। बाप दादा हम सब के साथ होली खेल रहे हैं,
जैसे बाबा मधुबन में खेलते थे। बड़ा सुंदर सा सीन है। बहुत ढेर सारे रंग है। कोई भी कार्यक्रम पूरा होता है तब भोजन होता है, मुख मीठा कराया जाता। तो हम भी बाबा के लिए प्यार से भोग लाए हैं। आप अभी बैठ गए और हम सब बैठे हैं। हर एक बाबा के सामने आता ऐसे तो बाबा ने कहा, बाबा पास ना लेता, लेकिन मेरा बाबा वतन में हर एक बच्चा एक छोटी गिट्टी खिलाता, सुंदर नजारा है। प्यार परा बाबा के प्यार में खो गए। पापा दिल नहीं चाहता वापस जाए, इस समय को देख हम वापस अपने आप को इसी तरह पर महसूस करते। ओम शांति।